सरोकार। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर की बात, एयर इंडिया बोइंग डील को बताया ऐतिहासिक। मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले एक विचारधारा देश को बिगाड़ नहीं सकती, अच्छे देशों में हर तरह के विचार होते हैं। अडानी पर पहली बार बोले अमित शाह, कहा छिपाने जैसा कुछ नहीं, बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, कहा नगा मुद्दे का समाधान अंतिम चरण में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीएम मोदी पर ने साधा निशाना, बोले पीएम ने विपक्ष से बदले की भावना कबूली। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर बुलंद शहर से है, जहां हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें आनंदा डेयरी के चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 650 करोड़ पर इन्वेस्ट करने का साइन किया था। बता दें, यूपी के 35 से ज्यादा जनपदों में दूध प्लांट लगाने का दावा किया है, जिसके चलते करीबन कई हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। बता दें, आनंदा डेयरी के चेयरमैन ने सराय गाँव में 25 से ज्यादा किसानों को बायोगैस प्लांट डोनेट किए हैं। देखिए, सराय गांव हमने गोद ले रखा है पिछले 4 साल से। इस गांव में विकास के लिए हम लोगों ने पिछले 4 साल से कई सारी हमने योजनाओं पर काम किया है। पहली योजना है कि जिसमें हमने किसानों को, हमने पशुधन के लिए ऋण उपलब्ध कराया भारत देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक के द्वारा। दूसरा, हमने इस गाँव में जो पशु चारा है उसके लिए काम किया। अभी तीसरा जो हमने जो स्टेप लिया है वो है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट ये ऐसा प्रोडक्ट है जो अमेरिकन कंपनी से आ रहा है और अपने इस देश में जो हमारे पास किसानों के 3 जो कि यूपी के पश्चिम जिले 17 जिले जो मेरे अंतर्गत आते हैं उनके कार्यभार देखता हूँ। सर, आनंदा कंपनी के द्वारा ग्रामीणों को कुछ एक नई योजनाओं का यहाँ पर योगदान करने, सहयोग करने के लिए एक मीटिंग रखी गई है, तो आपकी SBI द्वारा क्या उनको योगदान दिया जा रहा है, क्या फ़ायदा पहुँचेगा ग्रामीणों को आपकी तरफ से? जहाँ तक फ़ायदा पहुँचाने की बात है, भारतीय स्टेट बैंक गाँव का बैंक रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जब तक गांव का विकास हो। संबल असमोली जिला अधिकारी मनीष बंसल के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवैध हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई। सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी संबल के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी असमोली क्षेत्र के गांव सहबाजपुर कला में अली हेल्थ केयर एवं मुबारकपुर बंद के अड्डे पर डॉक्टर कलीम के हॉस्पिटल पर छापेमारी की गई और इस दौरान हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित होता पाया गया, जिसके बाद दोनों हॉस्पिटल के दस्तावेज ना दिखाने पर दोनों हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। बता दें, इस कार्रवाई के बाद झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। शिकोहाबाद के एटा रोड पर स्थित तो होटल ग्रीन पार्क में आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने बताया कि 18-19 मार्च को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और कानपुर में 2 दिवसीय महाअधिवेशन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के कार्यकर्ता इस महाअधिवेशन में हिस्सा लेंगे। वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुमंत गुप्ता जी आज आए थे। उन्होंने बताया फतेहपुर में 18 मार्च और 19 मार्च को एक वैश्यों का अधिवेशन होने जा रहा है। उसका विषय होगा जो हमारे अभी निकाय के चुनाव आ रहे हैं उसमें वैश्यों को, जहाँ हम लोगों की बहुसंख्यक तादाद है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले और कुछ हमारे कलार वगैरह बैकवर्ड जो आते हैं वैश्यों में उनको, जहाँ बैकवर्ड हैं उनको टिकट मिले। इस अधिवेशन में कितने लोगों की
इसमें हमारे कार्यकर्ता बुलाए गए हैं तो कम से कम 5,000 लोग तो पहुँचेंगे। भारतीय वैश्य एकता परिषद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 18 व 19 मार्च को फतेहपुर में आहूत किया गया है। इस सम्मेलन में आगामी निकाय के होने वाले चुनाव में वैश्य समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी प्रभावी संख्या में हो, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या में वैश्य समाज रहता है। वैश्य समाज की आबादी 18% है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी नगण्य होने के कारण उसका उत्पीड़न और शोषण होता है। इसलिए इस सम्मेलन में आगामी होने वाले निकाय के चुनाव में वैश्य समाज को सर्वाधिक संख्या में टिकट दिए जाएं, जिससे उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी हो सके। सर्वाधिक खबर रायबरेली से है, जहां होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग हरकत में आ गया है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी टीम के साथ कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सड़क और संचालित होटलों में बनने वाली खाद्य सामग्री की जांच की और उनके नमूने इकट्ठे किए। साथ ही उन्होंने होटल संचालकों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए। होली को लेकर खाद्य सुरक्षा में लगातार होटलों पर छापेमारी की जा रही है। होली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता बलवंत हमसे जुड़ेंगे। बलवंत, होली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लगातार होटलों पर छापेमारी की जा रही है। जी मयूरी जी, आपको बता दूं कि त्योहारों को देखकर सबसे बड़ा त्योहार होली का होता है, जो आपसी सौहार्द रंग उसके भाईचारे के रूप में मनाया जाता है। और दुकानों में इस तरह की लेकर जो कालाबाजारी की जाती है, उसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार छापेमारी होटलों पर की जा रही है कि कोई नकली सामग्री, कोई खाद्य सामग्री ना बेचा जाए। और इस पर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। जी धन्यवाद बलवंत तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।